नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। महानंद रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, इस वक्त की जो खबर सामने आ रही फतेहपुर जिले से आ रही है। जनपद में आज जिलाधिकारी को महानंद रामलीला कमेटी के जिलाध्यक्ष राकेश चंद्र गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए बताया कि महानंद रामलीला कमेटी मोहल्ला ज्वालागंज शहर फतेहपुर में 205 वर्ष पुरानी संस्था है, जो कि हर वर्ष दशहरे के त्यौहार के दौरान, आपको बता दें कि भगवान के स्वरूप का नगर भ्रमण साज सज्जा के साथ जबरदस्त तरीके से कराया जाता है। इस कार्यक्रम की शहर में एक ख्याति जनता को इस कार्यक्रम की बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो कमेटी जो है 205 वर्ष पुरानी है, जिसके राकेश चंद्र एडवोकेट ये अध्यक्ष हैं, महामंत्री विद्या चंद सुभाष कुरान जी हम हैं। यहाँ पर कुछ आराध्य जो बिना अनुमति के बिना नक्शा पास कराए दुकानें बनवा लिया है। इसके पहले हमने 16, 23, 16-6, 23-6, फिर 20-7, फिर 26-7, फिर 29-7 को भी एप्लीकेशन सुनिए। उसके बावजूद भी एस डी एम साहब ने कुछ नहीं किया। हम मजबूरी में आज भी देने आए। आप किससे मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? प्रॉब्लम ये बंद बिना नक्शा के बना लिया। आज किससे मिले हैं, आश्वासन क्या मिला? जिलाधिकारी महोदय, क्या आश्वासन मिला है? ये हमारी रामलीला कमेटी जो है एक मिनट एक मिनट एक मिनट आओ नीचे लगाओ।